हर महीने 3 4 5 लाशें, 7 8 लाशें। अगर आप ये तमाशा खत्म करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू एस्केलेट, वर्टिकल एस्केलेशन करनी पड़ेगी, जैसे सन 2003 में हमने बोफोर तोपों, मीडियम तोपों के साथ ऐसी करारी मार लगाई थी पाकिस्तान को कि उन्होंने हाथ जोड़कर सीज फायर मांगा था, और वो सीज फायर 13 साल चला। ओनली अगर आप इन्फेंट्री, स्मॉल आर्म्स, मोटर से चौंचलेबाजी करते रहेंगे तो उससे तो नहीं ये सिलसिला रुकने नहीं वाला, ये तो किंगडम कम तक चल सकता है, बाबा आदम के जमाने तक ये दौर जारी रहेगा। आप चौंचले करें, आप वहां से इन्फेंट्री मोटर, यहां से इन्फेंट्री मोटर, वो तो 50 वर्ष चल सकता है। अगर आप इसको वाकई रोकना चाहते हैं तो यू विल हैव टू हिट बैक हार्ड, रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। ये स्लो ब्लीड, ये धीरे धीरे रक्त रिसाव, ये आई डोंट थिंक हम ज्यादा देर बर्दाश्त कर सकते हैं इस देश के लोग। हमको बड़ी उम्मीद थी कि कुछ बड़ी भारी वापसी कार्रवाई होगी, पलटवार होगा जब एनडीए आती है। हाँ, हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, बट दैट इज नॉट एनफ। उसके बाद वी वेंट बैक टू पीस टॉक्स। अब आपको जो है थ्रो वेट, यू विल हैव टू मास इफेक्ट्स, मोर देन मासिंग फोर्सेस, यू विल हैव टू मास इफेक्ट्स। आपके पास तोपे हैं, बोफोर तोपे हैं, मीडियम गन्स हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मिसाइल्स हैं, और जरूरत पड़े तो आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट है। आप उनसे पलटवार करिए, उस दर्जे तक पलटवार करिए जब तक पाकिस्तान उफ नहीं बोलता और ये तमाशा बंद नहीं करता। ये तो साहब मजाक बन गया है कि हमारे पास एकमात्र विकल्प है बात करना, बातचीत करना, बातचीत करना और बात करना, उसके सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और अगर आप ये पाकिस्तान को बताना चाहते हैं तो हमारे लड़कों की शहादत बेचारों की चलती रहेगी। ये 23 साल का लड़का अहिरवाल का, बहादुर शेर, इस तरह कितनी लाशें हम और देंगे? ये क्रिकेट मैच बंद होना चाहिए। ये एक विकेट इधर गिर गया, एक विकेट उधर गिर गया, एक गुगली हमने मार दी, एक बाउंसर उन्होंने मार दिया। श्वेता जी, हमें अब असलियत पे आना है। हमको इतिहास की किताब को बंद करके पीछे फेंक देना चाहिए और असलियत देखनी चाहिए कि आज के दिन की असलियत क्या है। आज के दिन की असलियत यह है कि पाकिस्तान 47 से लेकर अभी तक दुश्मन था, आज दुश्मन है और कल से आगे भी दुश्मन रहेगा। भले ही चाहे 2 मिनट के लिए आप उसको कश्मीर दे भी दें, पाकिस्तान की, क्योंकि टू नेशन थ्योरी खत्म हो गई है, उसका वजूद, उसका एग्जिस्टेंस ही हेट इंडिया पर है, तो वो हमारा दुश्मन रहेगा। अगर हम इस बात से सहमत होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए फिर? क्या हम इस तरीके से क्रिकेट मैच खेलते रहेंगे? हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान जेएंडके कश्मीर पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसमें हमको डिप्लोमेटिकली सीज करना पड़ेगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अपना एम्बेसडर वापस बुलाओ, उसके एम्बेसडर को बोलो भाई साहब कल सुबह पहली फ्लाइट से बिस्तरा बोरा बांधिए और रफा दफा हो जाइए यहां से। पॉलिटिकली 543 बुद्धिजीवी बैठ के पार्लियामेंट में बैठे और उसमें कांग्रेस क्या सब साथ देंगे, डिक्लेयर करो पाकिस्तान को कि हमने उसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करते हैं। तीसरा, इकोनॉमिकली ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वगैरह बंद करो। क्या मतलब है चीनी भेज के उसका मुंह मीठा कर रहे हैं? क्यों हम हींग मंगा रहे हैं? अरे अगर हींग नहीं मंगाएंगे पाकिस्तान से, पाकिस्तान में लोग हींग खा खा के मर जाएंगे। और उसके बाद में जेएनके में गवर्नर रूल डिक्लेयर करिए। ये 60-60 की जो सरकार है नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। आज तक ये हो गया है, प्रूव हो गया है कि ये पीडीपी बीजेपी का कॉम्बिनेशन इज बुलशिट, एब्सोल्यूट बुलशिट, कोई मतलब नहीं है ये वहां के लोगों के लिए और देश के हित के लिए। गवर्नर रूल डिक्लेयर करिए, आर्मी को फ्री हैंड दीजिए 6 महीने के लिए। फ्री हैंड का मतलब ये नहीं है कि जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्लियरली बोला हुआ है कि जो भी इंसान फौज के ऑपरेशंस के बीच में दखलंदाजी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसका फायदा दिख रहा है। लेट आई जस्ट फिनिश। सख्त से सख्त एक्शन का क्या मतलब है? क्या हम ये बोलेंगे कि जो भी इंटरफेयर करेंगे हम उसको गोली मारेंगे? नहीं, लेकिन गोली मारना सख्त से सख्त एक्शन में शामिल होता है। लेकिन जब वो होता है तो उसके अगेंस्ट FIR हो जाती है। बिल्कुल, ये फ्री हैंड नहीं है। जब भी किस तरह हादसा होता है तो हम अपने नेताओं से सुनते हैं कि हम पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाई देखिए, आज जो मुझे नजर आता है वो तो ये है कि शायद हम तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, लेकिन पाकिस्तान हमको अवश्य मुंह तोड़ जवाब देने लगा है। हम जो करते हैं पाकिस्तान उसको एस्केलेट कर रहा है। हम MMGs मैक्सिमम मोर्टर फायर करते हैं, वो इससे बढ़कर फायर करना शुरू कर दिया है। अरे बॉर्डर पे
समय आ गया है कि टैक्टिकल रेलम से उठा के इस चीज को स्ट्रेटेजिक रेलम में ले जाना पड़ेगा। जब तक कि आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन नेशनल लेवल पर नहीं लेंगे तब तक इसका कोई समाधान निकलने वाला है नहीं। स्ट्रेटेजिक लेवल का मतलब केवल मिलिट्री नहीं होता बल्कि देश को जुट होना पड़ेगा, और हमें इस समय पाकिस्तान को इस किस्म की सजा देनी है कि दोबारा से वो अपना सिर उठा ही ना सके। ही शुड बी इनकेपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग। उसका मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने जो पाकिस्तान की पोजीशंस हैं उनको इतना खत्म कर दिया जाए, चाहे हवाई जहाज इस्तेमाल करें चाहे जो भी हथियार हम चाहते हैं इस्तेमाल करें, लेकिन उनको इस तरह से इनकेपेबल कर दिया जाए कि वो हमारे जवाब देने के काबिल ही ना रहें। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारे शहीद मरते रहेंगे, उनके भी दो चार मरते रहेंगे, हमारे भी दो चार रोज मरते रहेंगे। मेरे ख्याल में हमारे पास तजुर्बा बहुत है। पाकिस्तान ने क्या किया है कि 2018 उनके लिए एक बहुत अहमियत वाला साल है और वो कोशिश कर रहे हैं कि एक जबरदस्त तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक्टिविटी करके और दुनिया के तवज्जो जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और जम्मू कश्मीर के समस्या के ऊपर जोड़ें, उसके ऊपर लगाएं। हमारा रिस्पांस, अफसोस मेरे मुझे कहने में ये है कि हमारी फौज का जो रिस्पांस है, और मैं अपनी फौज का खुद एक अफसर रहा हूं, हमारा रिस्पांस बहुत ग्रेजुएटेड रहा है। हमें इस ग्रेजुएटेड रिस्पांस से हटना पड़ेगा और जबरदस्त एक रिस्पांस पे जाना पड़ेगा, यानी कि टैक्टिकल लेवल से हमें सीधे स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाना पड़ेगा। हमें वो इलाके चुनने पड़ेंगे जहां पर पाकिस्तान के ऊपर हमारा डोमिनेशन बहुत हद तक है। हमें वो हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिनके ऊपर हमें कोई रोक नहीं लगानी चाहिए, अगर चाहिए तो मीडियम आर्टिलरी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और बोफोर्स गन को डायरेक्ट फायरिंग रोल में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फौज को आर पार एलसी के भेजना है उसके ऊपर भी छूट जो है पूरी देनी चाहिए। और मैं समझता हूं ये वक्त आ गया जबकि जिसे कहते हैं कि दस्ताने हटाने पड़ेंगे और पाकिस्तान की तरफ हमारा रवैया टोटल तरीके से बदलना पड़ेगा। और हमने ये पहले किया है 2003-4-5 पहले भी किया है उससे, और मैं समझता हूं कि इस रवैये के साथ पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमारा टोटल डोमिनेशन हो सकता है।